गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 7th नॉन कॉम्पिटिशन एक्सरसाइज 12B, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा रीड द क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस, हमको कितने पैसे गिवन है, 6250। हमको रेट कितना गिवन है, 4%। टाइम कितना गिवन है, 6 मंथ्स। हम कन्वर्ट करते हैं मंथ्स को ईयर्स में, कितने आ जाएंगे ईयर, 1/2 ईयर। बताओ सभी, सभी बच्चों को स्टेटमेंट क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है सभी बच्चों को। ऑल स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्लियर। प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। कैन यू फाइंड, इट्स वेरी इजी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। पी की वैल्यू 6250, रेट की वैल्यू 4, टाइम की वैल्यू 1/2, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, 2 1 2 2 2 4, 10 से 10 कट, 2 1 2 5 5 से कट करेंगे 125। सो द आंसर विल बी ₹125। दिस इज द आंसर। क्लियर है। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द गिवन प्रिंसिपल। क्लियर है। क्वेश्चन फर्स्ट इजी। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी, फोकस बेटा। क्वेश्चन नंबर टू रीड करेंगे सभी, क्या गिवन है। आसम अमाउंट्स टू, हमें नहीं पता हमारे पास कितने पैसे थे, लेकिन वो पैसे बन गए कितने, ध्यान दो, ₹3605। कितने दिन में बन गए, 219 डेज। हमारा रेट कितना है, 5%। आपको बताया गया था अगर आपका टाइम ईयर्स में ना हो तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करो। हमको गिवन है 219 डेज। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 365 से, आपको मिल जाएंगे ईयर्स। ठीक है, सभी ध्यान दो। हम मान लेते हैं हमारे पास जो पैसे थे हमें नहीं पता कितने थे, हमने मान लिया उसको रुपीज़ एक्स। ध्यान दो, ये कितना है, एक्स बन गया कितना, ये दिस इज़ व्हाट अमाउंट। हम निकालेंगे इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू 3605, प्रिंसिपल कितना है, एक्स। दिस इज द इंटरेस्ट। क्लियर है। नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ SI। SI के अंदर क्या होता है, SI इक्वल्स टू P × R, R × T। T की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय 100। बताओ सभी, यहाँ तक क्लियर है, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कटिंग थोड़ी सी ध्यान से करनी है, कटिंग थोड़ी सी बड़े नंबर से होने वाली है, तो प्लीज़ कटिंग को थोड़ा सा ध्यान से करना। 219 और 365 कट होंगे 73 से। क्लियर है। 73 3 ज़ा 73 5 ज़ा, आफ्टर डैट 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, कितना बचा, 3x/100। बताएं सभी, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। हमने जस्ट क्या किया है, 100 की मल्टीप्लाई ऊपर की है, 100 की मल्टीप्लाई नंबर से, 100 की मल्टीप्लाई एक्स से हमें मिला ये। नेक्स्ट स्टेप, एक्स वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ, 100 + 3 103। 103 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। नाउ वी विल कट एंड वी विल फाइंड आवर प्रिंसिपल। यहाँ से हमें मिलेगा हमारा आंसर। बताओ सभी, क्लियर है यहाँ तक। कट करने के बाद हमें मिलेगा, यू हैव टू कट, आपको कट करना है, आपको मिलेगा
3500. So 3500 is the required answer. बताओ सभी क्लियर सभी बच्चों को. All students, question number 2 clear. हाँ जी बेटा, focus on the board. Question number 3. क्या given है हमको? At simple interest, a sum becomes 6/5 of itself. हमारे पास कुछ पैसे थे, वो पैसे अपने पैसों का कितना बन गए? 6/5 of itself, खुद का. ठीक है, हमको क्या गिवन है? टाइम. कितना गिवन है? 2 1/2 years. इसका मतलब क्या है? 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 years में बन गए. हमको क्या बताना है? फाइंड द रेट, कि रेट कितना था. देखो बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन. मान लो हमारे पास कितने पैसे थे? 100. वो कितना बन गए? 6/5. किसका? खुद का. ठीक है, 1 20 कितना आया? ₹120. ध्यान दो सभी, 100 rupees थे, कितना बन गए? 120. दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना है? 120 माइनस 100, हाउ मैनी रुपीज? 20 rupees. फॉर्मूला लगा दो इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, SI इक्वल्स टू PRT बाय 100. 100 से 100 कट. नेक्स्ट स्टेप, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर. और 5 कहाँ जाएगा? नीचे. 5 1 5 4 हमारे R की वैल्यू, 4 2 8%. बताओ सभी क्लियर है? हाँ जी बेटा. ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 क्लियर? ओके बेटा, फोकस. क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी. पढ़ो सभी, क्या गिवन है? इन व्हाट टाइम, हमको टाइम बताना है, 8000 रुपये कितने बन जाएंगे? 8360. हमको क्या गिवन है? रेट कितना गिवन है? 6%. हमको टाइम बताना है. ध्यान दो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 8360 माइनस 8000, आई गोट 360. दिस इज द इंटरेस्ट. फॉर्मूला लगा दो इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100. ठीक है, 20 से 20 कट. नेक्स्ट स्टेप, टी 360. 80 का है ऊपर, 80 का आ गया नीचे. 6 का है ऊपर, 6 का आ गया नीचे. 0 से 0 कट. 6 1 6 6. हमारे पास टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 6/8 years. क्लियर है? 2 3 2 4, डेट मीन्स 3/4 year. हम क्या करते हैं? ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से. क्या बन जाएंगे? मंथ्स. 4 1 4 3 कितना आंसर आएगा? 3 3 9 months. दिस इज द फाइनल आंसर. बताओ सभी क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी कैलकुलेशन है, बट कंसेप्ट होना चाहिए आपका. आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है और मुझे करना क्या है. हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? बेटा फोकस ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन. क्या पूछ रहा है? एट व्हाट रेट परसेंट, हमसे पूछ रहा है आर की वैल्यू. एट व्हाट रेट परसेंट पर एनअप सिंपल इंटरेस्ट आ सम विल डबल. हमको नहीं पता मनी कितना है, लेकिन हमको ये पता है उस मनी का क्या हो गया? डबल. डबल मतलब जो था उसका 2 times. कितने साल में हो गया? 10 साल में. तो हमको बताना है आर की वैल्यू क्या है. देखो बेटा, वेरी इजी. हम मान लेते हैं हमारे पास कितने रुपए थे? 100 रुपये. 100 का डबल कितना हो गया? 200. इसका मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल.
कितना आया रुपीस 100। नाउ पुट द फॉर्मूला ऑफ एसआई, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। 100 से 100 कट, 10 गए ऊपर, 10 कहाँ जाएगा नीचे, डेट मीन्स आर की वैल्यू 10%। बताओ सभी इजी? हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स टेल मी, क्वेश्चन नंबर 5 इजी? अगर ट्राई करोगे समझोगे तो सारे क्वेश्चंस इजी लगेंगे, ठीक है? वेरी गुड, टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई इन योर रफ नोटबुक। ऑल स्टूडेंट्स टेक 2 मिनट्स एंड ट्राई इन योर रफ नोटबुक, आई एम वेटिंग। ओके बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको फंसा देगा, ध्यान से देखो। द सिंपल इंटरेस्ट एट क्या गिवन है, आर की वैल्यू एक्स परसेंट, टाइम कितना है एक्स ईयर्स, इंटरेस्ट कितना है एक्स रुपीज, ठीक है? हमसे क्या पूछ रहे हैं, सम बताओ। सम मतलब हमें बताना है प्रिंसिपल, ठीक है? दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट एट एक्स परसेंट फॉर एक्स ईयर्स विल बी रुपीज एक्स ऑन सम व्हाट, हमको सम बताना है। वेरी इजी, एसआई का फॉर्मूला लगा दो, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। आप क्या करो, पी को यहाँ छोड़ दो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे, क्लियर है? एक्स से एक्स कट, प्रिंसिपल की वैल्यू हाउ मच 100 बाय एक्स रुपीज, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है? क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा था लेकिन एक्स में घुमा रहा था, ठीक है? आपको घूमना नहीं है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है आराम से, ठीक है? आपको रेट टाइम और इंटरेस्ट तीनों गिवन है, फॉर्मूले में पुट करना है और प्रिंसिपल निकाल देना है, ठीक है? हाँ जी, गॉट इट ऑल? इजी है? हाँ जी इजी, ओके। ट्राई करो सभी रफ कॉपी में, वन टाइम राइट इन योर रफ नोटबुक, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा बुक में, अपना क्वेश्चन खुद करो और फिर मैच करो, ठीक है? वेरी गुड, ट्राई करो सभी। वेरी गुड, सभी ट्राई करो। दीपांशु हैव डन, वेरी गुड। हाँ जी बाकी सभी कीप ट्राइंग, वेरी गुड, कीप ट्राइंग, वेरी गुड वेरी गुड। ओके मैनी हैव डन, हाँ जी देयर इज अ वन स्टूडेंट नेम रियल मी, बेटा प्लीज़ क्लास में अपना नाम लिख के आया करो, राइट योर नेम वाइल एंटरिंग इनटू द क्लास। ओके हैव यू डन? ओके ना, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फोकस। ओके बेटा रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो सभी। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, टाइम कितना गिवन है 5 साल, इज 2/5 ऑफ द सम, हमें ये गिवन है जो एसआई है वो कितना है 2/5 किसका, सम का। टाइम कितना है मेरा 5 साल, मुझे क्या बताना है रेट। दोबारा पढ़ो बेटा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर दिस इयर्स इज व्हाट 2/5 ऑफ द सम, जो मैं एसआई गिवन है वो कितना है 2/5 किसका, प्रिंसिपल का। मान लो हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, हमने मान लिया प्रिंसिपल की वैल्यू 100, तो एसआई कितना होगा 2/5 किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 100, 2/5 ऑफ हटाएंगे मल्टीप्लाई 100, 5 1 5 2 20 2 40, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। नाउ जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, एसआई की वैल्यू 40, प्रिंसिपल की वैल्यू 100,
टाइम की वैल्यू 5 साल, रेट पता नहीं है, अपॉन 100, 100 से 100 कट, आर की वैल्यू 40/5, 5 1 5 8 जा, आर की वैल्यू 8%। बताओ सभी क्लियर है? हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। हमको गिवन था जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल को 100 मान लो, SI निकाल लो और फॉर्मूले में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R। हाँ जी बेटा, सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आए? ऑल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है?